नमस्कार जुले और सलाम दोस्तों, आप में से ज़्यादातर को मालूम है कि 21 दिन के अनशन के बाद मैं 2 दिन के लिए विश्राम के लिए अपने गांव गया था, और इस बीच जो अनशन का भागडोर है वो लद्दाख के महिलाओं ने संभाला था। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे महिलाएं मेरे साथ हैं। दिन में लगभग 250 से 300 महिलाएं और रात में कोई 100 से 130 महिलाएं यहाँ पर खुले आसमान में अनशन पर बैठे हैं, याद दिलाने के लिए भारत के नेताओं से और सरकार से कि जो लद्दाख के साथ वचन दिए गए थे लद्दाख के सांस्कृतिक और पर्यावरण के संरक्षण के, उनकी पूर्ति करें। वैसे ही जो लोकतंत्र की बहाली है वो जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख में भी हो। तो यहाँ महिलाओं ने अब 7 दिन से भागडोर संभाला है और अगले 3-4 दिनों में उनके जगह पे फिर युवा आएंगे, फिर भिक्षुगण आएंगे। अब अपडेट में मैं आप लोगों को, खासकर आप लोगों ने बहुतों ने पूछा था कि ये जो 7 अप्रैल रविवार का मार्च है, पश्मीना मार्च जिसे हम कह रहे हैं, उसमें कैसे शामिल हो। मैंने वैसे तो आप लोगों में से ज़्यादातर को मना किया था कि आप यहाँ ना आएं, मगर आप में से बहुत लोग नाराज़ बल्कि हमें डांट भी रहे हैं। तो वो इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर मौसम भी अच्छा नहीं था, बहुत ठंड थी, यहाँ पर गेस्ट हाउसेज होटल भी नहीं खुले थे। मगर अब आप लोगों में से इतने लोगों से पूछा है, और फिर मौसम भी यहाँ आजकल ठीक हो रहा है, मुझे पता चला कि गेस्ट हाउसेज भी खुल रहे हैं, तो फिर मैं हार कर, आप लोगों में से अगर बहुत ही आप आना चाहते हैं, व्याकुल हैं तो आ सकते हैं, ऐसा मैंने पता किया गेस्ट हाउसेज वगैरह के बारे में, और मौसम भी बिल्कुल ठीक है। तो आप इसके बारे में और जानकारी, जो फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख हैं, लद्दाख मित्र संघ, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर, उनसे इस नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप आना चाहें तो 7 अप्रैल है तो फिर 5 अप्रैल को आएँ जितना हो सके, क्योंकि थोड़ा यहाँ के आबोहवा से एक्लाइमेटाइज जिसे कहते हैं, थोड़ा सांस आपकी सही बैठे, इसके लिए 2 दिन पहले आएँ या 6 को आएँ, उसके बाद ना आएँ, ये मेरी विनती होगी। और पूछ के संपर्क में रह के आएँ, बिना कुछ पता किए ना आएँ, क्योंकि इससे हमारे लिए और समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मैं चाहता था कि बहुत लोग बाहर से ना आएँ क्योंकि उतना हालत अच्छे नहीं थे, मगर अब अगर आप आना चाहें तो इस तरह से आ सकते हैं। ये जो 7 अप्रैल का मार्च है उसके बारे में जिनको कम पता हो या ना पता हो उन्हें बताएं, तो जैसे अभी तक हम गांधी जी के पथ पर चलते आए हैं, उन्होंने सत्याग्रह का जैसे आह्वान किया था उसी अनुसार हमने आज 21वीं सदी में लगभग 100 साल बाद उनके वैसे ही सत्याग्रह से अनशन पर बैठे हैं हम। गांधी जी ने 21 दिन का सबसे लंबा अपने जीवन का अनशन किया, वैसे ही हमने 21 ही दिन का किया, और ज़रूरत पड़े तो फिर करेंगे 21 या 28 दिन का भी। तो ये था। और जो ये 7 अप्रैल की बात है, वो जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च किया था नमक के कानून के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए, हम ये पश्मीना मार्च कर रहे हैं जिसमें कि जो लद्दाख के चरवाहे हैं उनके चरागों को कैसे कुछ तो सरकार और भारतीय उद्योग बड़े बड़े परियोजनाओं के लिए उनके सबसे अच्छे चरागों को ले जा रहे हैं उनसे छीन कर, उस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। और कुछ उनके बहुत बड़े चरागे चीनी अतिक्रमण में खोया जा रहा है, जिसका कि कोई मान भी नहीं रहा है कि उनके चरागे गए या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ भी नहीं गया है। तो जो भी जैसी भी अवस्था है ज़मीन पर, वो हम दिखाने के लिए ये मार्च कर रहे हैं कि कितना ज़मीन उद्योगों के लिए, परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा है उनसे बिना समन्वय के, क्योंकि अगर संरक्षण होता 6ठे शेड्यूल का तो उनसे बिना समन्वय के कोई ज़मीन उनका नहीं ले जाता, मगर आज क्योंकि ऐसा कोई संरक्षण नहीं है
तो वो उन्हें बेदखल किया जा रहा है उनके अपने चरागों से। तो ये 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च है, डांडी के नमक मार्च की तरह ही। ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से होगा। आप देख रहे हैं सब यहाँ पर तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रार्थनाएं दुआएं करते हुए यहाँ के महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बच्चे बड़े सब चांगथांग में पश्मीना मार्च पे जाएंगे। बहुत ही शांतिपूर्ण होगा और आग्रह करेंगे कि इस तरह हमारे चरवाहों के ज़मीनें ना खोए जाएं, चाहे वो भारतीय उद्योगों को हो या चीनी सेना को हो। हमें पूरी उम्मीद है कि इस सच्चाई को और मजबूती से लोगों के सामने लाने के लिए आप सबका भी समर्थन होगा, पूरे भारत से समर्थन होगा। और इसी उम्मीद के साथ लद्दाख के 5 से 10 हज़ार लोग उस सीमा की तरफ बढ़ेंगे 7 अप्रैल को। तो जुड़ी रहिएगा, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे इस मार्च के बारे में। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।